टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज कल्टीवेशन क्लास। एंड जैसा आपको बताया था कि आज से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट हम आप दोनों को आप सभी को बताएंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। थ्योरी पार्ट फर्स्ट विल डू। कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज की जो पूरी साइकिल है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज पीडीए, इट मीन्स पोटैटो डेक्सट्रोस अगार, जिससे कि आपका प्योर कल्चर बनेगा। एंड प्योर कल्चर, जब आपका पीडीए से प्योर कल्चर रेडी हो जाएगा तब पीडी आता है। हम ये प्योर कल्चर पीडी में डालेंगे और इस पीडी से आपका लिक्विड स्पॉन रेडी होगा, और फिर ये लिक्विड स्पॉन हम ब्राउन राइस और लिक्विड मीडिया में डालेंगे, जिससे कि आपकी कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज तैयार होगी, कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज का कल्टिवेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप जो आज हम करेंगे, हम पीडीए करेंगे और पीडी करेंगे। उसके बाद कल हम लोग कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज के लिए ब्राउन राइस और लिक्विड मीडिया को स्टेरिलाइज करेंगे पहले, और फिर उसमें लिक्विड स्पॉन डालेंगे। वो प्रोसेस आपका सारा का सारा कल होगा। तो अगर हम बात करते हैं पीडीए की, हमें पीडीए बनाना है तो हम कैसे पीडीए बनाएंगे। पोटैटो डेक्सट्रोस अगार है आपका ये, जो कि हम 1000 ml रेडी करेंगे। उसके लिए हम 1000 ml वाटर लेंगे, एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वाटर शुड बी आर ओ डिस्टिल और बॉइल, क्योंकि हमें उसमें कोशिश यही करनी है कि मिनरल्स कम से कम हो या तो ना हो। फिर इस वाटर को हम हीटअप करेंगे, और हीटअप करने के बाद जैसे ये 72 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा, हीटअप करने का मतलब ये नहीं कि उसको रोक देना है, स्टिल वो बॉइलिंग पॉइंट में भी आएगा, पर जैसे 70-80 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, वी विल एड 39.5 ग्राम ऑफ पीडीए पाउडर। प्रेफर करेंगे कि वो हाई मीडिया कंपनी का हो, एंड 0.5 ग्राम ऑफ MgSO4.7H2O, इट मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, अब हमने 39.5 ग्राम हमने पीडीए डाला, 0.5 ग्राम हमने MgSO4.7H2O यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया। इसके बाद आपको ये बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, स्टिर इट वेल, और देयर शुड बी नो लम्स, कुछ भी लम्स वगैरह उसमें छोटे टुकड़े डले नहीं होने चाहिए। फिर आप देखोगे कि आपका पीडीए इज रेडी। पर ये कितना पीडीए होगा, समथिंग अराउंड 900 ml, क्योंकि 100 ml तो आपका इवापोरेट हो गया बॉइल करते वक्त। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल 100 ml वाटर आप इसमें ऐड कर दोगे, सेम वो आरओ होगा, डिस्टिल होगा या बॉइल होगा वो वाटर। ठीक है, फिर 100 और 900 ml को जब आप मिक्स कर दोगे तो आपका ये 1000 ml पीडीए रेडी हो जाएगा। हम लोग पैट्री, ये आपकी टेस्ट ट्यूब्स होंगी जिसमें कि हम 1/4 फिल करेंगे पीडीए। पेट्रो डिश होंगी, पेट्रो डिश में भी आप 10-20% डाल सकते हो, पर पेट्रो डिश का प्रोसेस विल बी डिफरेंट, मैं आप लोगों को बाद में पूरा सिखाऊंगी। ये हम लोग 1/4 इसको भर सकते हैं या 10-20% जो बॉटल्स आती हैं उसको फिल कर सकते हैं। पेट्रो डिश का पूरा जो पैटर्न है वो आपको अलग से सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल। इसमें फिलिंग करने के बाद इसकी पैकिंग होगी। पैकिंग में हम लोग नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन यूज करेंगे, बटर पेपर प्लस रबर बैंड। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी ऑटोक्लेविंग होगी 121 डिग्री सेल्सियस, 15 PSI, 30 मिनट्स। ठीक है, थर्टी मिनट्स में ऑटो क्लेविंग के बाद इन ट्यूब्स, पैटर डिश और बॉटल्स को हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर इसे कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। कूलिंग रूम अलग से होता है, ये सारे रूम्स आपको दिखाए जाएंगे। जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मैं रख कर दूं।
एक्सप्लोर लिखने में छूट जाता है। ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर कूलिंग होगी इसकी 24 आवर्स के लिए, क्योंकि 126 डिग्री 121 डिग्री सेल्सियस से निकलकर आया है जी। और मॉइस्चर भी बहुत होगा इसका, स्टीम का जो होगा 15 PSI, वो स्टीम का प्रेशर ही तो है जी। तो उसको मॉइस्चर भी उड़ाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब को ठंडा भी करेंगे। उसके बाद इसका इनोकुलेशन होगा। कूलिंग 24 आवर्स के लिए मैडम? जी जी जी, कूलिंग 24 आवर्स के लिए। यह आपकी कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज है, आप ये मिडल पोर्शन लोगे। एक्चुअली ये मिडल पोर्शन है क्या, मैं आपको समझाती हूँ। ये आपकी मशरूम है, ठीक है, ये मशरूम का कैप है, ये मशरूम की स्टॉक है, ये इसकी स्टेम है। तो ये क्या है, इसका स्टेम। इस स्टेम से हम लेंगे टेक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, इनोकुलेटेड यहां से लेना है टिश्यू। और ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में यहां बीच में डाल देंगे। क्लियर है? आपका इंक्यूबेशन स्टार्ट होगा। इंक्यूबेशन में क्या होगा, आप 18-22 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखोगे और डार्क रहना चाहिए, सिंपल मेंटेन रखना है और डार्क रहेगा, और 14-15 डेज लगाएगा। विद इन 14-15 डेज इसका माइसीलियम रन हो जाएगा पूरा, और अगर आप 3-4 दिन इसे लाइट में एक्सपोज कर देते हो तो व्हाइट कलर का माइसीलियम ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बन गया आपका, प्योर कल्चर रेडी हो गया। प्योर कल्चर हमेशा टेस्ट ट्यूब में रेडी होगा। ये फंगस स्प्रेड हो गई, इस प्योर से मास्टर बनेगा आपका। ट्यूब टू ट्यूब, ट्यूब टू पेट्री डिश, ट्यूब टू बॉटल, ये आपका क्या होगा, मास्टर कल्चर, ठीक है।